हाँ जो ना उस प्रकार से कहिए कि एक ऐसा अंधेर नगरी चौपट राजा वाली स्थिति है, कोई सुनने वाला इनको नहीं है, और नहीं तो मुख्यमंत्री के आदेश के बाद निश्चित रूप से आज इस पर ऐसा कहिए कि जांच होता है और से संवेदक पर कार्रवाई होता और पुल का निर्माण होता। सरकार जो भी हम लोग जन समस्याओं को ऐसा ध्यान आकर्षित कराते हैं सदन में, वो केवल गोल मटोल करके ऐसा जवाब देती है, कोई माने मतलब नहीं रहता है। नमस्कार, डीएसटी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ गौरी रानी। झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र चल रहा है और मानसून सत्र में जो विधायक है वो अपने जन मुद्दों को लेकर के विधानसभा के पटल पर रखते हैं। आपको बता दूं, जो विधानसभा का सत्र होता है उसमें जन मुद्दे जो हैं, जो कि विधानसभा क्षेत्र से जो विधायक चुनकर विधानसभा भेजे जाते हैं, वो जनता के द्वारा जो समस्याएँ हैं उनको उठाते हैं। ऐसे में जो अगर हम विपक्ष की बात करें, बीजेपी की बात करें, वो जनमुद्दे जब विधानसभा के पटल पर रखते हैं तो उन सभी योजनाओं पर कितना संज्ञान सरकार लेती है, हम यह जानने की कोशिश करेंगे और इसकी सच्चाई भी बताएंगे। हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए बीजेपी विधायक डॉक्टर शशिभूषण मेहता जी हैं। सर, आपका एसडी न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि मैंने कहा कि मानसून सत्र जो होता है उसमें जो विधायक होते हैं वो जनमुद्दे को उठाते हैं, तो इस पर सरकार कितना संज्ञान लेती है? लेकिन इससे पहले विधानसभा आप जाने वाले हैं थोड़ी ही देर में, और आज का जो मुद्दा होने वाला है वो टाटी देरी गढ़गांव पथ पाकी में अधूरे पुल निर्माण के दोषी कॉन्ट्रैक्टर के अविलंब सस्पेंड की मांग आप लोग कर रहे हैं। देखिए, सरकार जो भी गंभीर ऐसा मुद्दा है, मुद्दा विधानसभा में आने पर या फिर सरकार को लिखित सूचना देने के बाद भी इसको गंभीर नहीं होती है। अभी आपको मैं बताऊं कि जिस मुद्दे को लेकर के हम विधानसभा में सरकार का ध्यान आज आकर्षित कराने वाले हैं, और गढ़गांव हसो टाटी दिरी हसो पथ पर बन रहे मुख्यमंत्री के ग्राम सेतु हसो ये ब्रिज का पुल का, वो कही कि 2018 से ही सो अधूरा पड़ा हुआ है और विभाग ने सो मुख्य यह किया था कॉन्ट्रेक्टर को, सिलीला कंस्ट्रक्शन है उसको कहा था कि आप इसको टेढ़ा हो गया अलाइनमेंट है सो उसका, आप को पिलर को तोड़कर बनाओ, और इसके बाद भी सो सरकार इन्होंने ठेकेदार नहीं सुना, सरकार की बात अनदेखी कर दी गई। कितने सालों की बात हो गई? ये करीब करीब 3 साल 4 साल होने जा रहा है और ये पुल अधूरा पड़ा हुआ है और उस इलाके के लिए लाइफ लाइन है, और हमने इसके संबंध में जब सरकार को कहा तो सरकार ने इसको गंभीरता से लेकर के विभाग ने उसको काफ़ी ये किया, लेकिन न तो इसके बाद में उन्होंने कोई कार्रवाई किया संवेदक पर, ना कोई आगे बाद में नहीं, और इसी कारण से अधूरा पड़ा हुआ है। सर, ये अधूरा इसलिए पड़ा हुआ है क्योंकि ये पूर्व की रघुवर सरकार के वक्त दिया गया था, इसलिए सरकार संज्ञान नहीं ले रही। ये सरकार तो पहले की सरकार थी, उन्होंने ही ऐसा स्वीकृत किया था, लेकिन ये तो कहिए कि जो अधूरा पड़ा हुआ है उसका तो पूरा कराने का काम तो ऐसा जो वर्तमान सरकार होती है, विभाग के लोग होते हैं, उन्हीं को करना था, और पैसा भी ऐसा उनको सब निर्गत कर दिया गया। तो ये कहिए कि सरकार बहुत संवेदनशील और गंभीर नहीं होती है, और ये कहिए कि उस ठेकेदार जिसकी बात हम करें उसका कांग्रेस वालों से उनका तलुकात रहता है, अब इस कारण से ऐसा ये न कार्रवाई करती है, डिवार करने के लिए विभाग ने लिखा था इसको टीम ने, न तो आज डिवार हुआ आज तक, और न कहिए कि ऐसा ये उस पर कार्रवाई हुई, न पुल बना। अब ऐसा नई पुल बनने से लोगों का ऐसा आवागमन में काफ़ी परेशानी है, और परेशानी के साथ साथ ये कहें कि यह अधूरा पड़ा रहने से ये उसका जो विकास का गति था उसे रुक गया है, इसलिए हम फिर से ये मुख्यमंत्री जी को, जो विभागीय मंत्री हैं उनको हम ध्यान आकर्षित कराने के लिए सो आज हम फिर धरने पर बैठ रहे हैं, जिससे कि ऐसा इस पुल को निर्माण पूरा करा सके, और जो ये है पुल अधूरा है उसको पूरा करने के बाद नहीं अगर करता है ठेकेदार तो उस पर ऐसा यह कि डिबार करने के जो अनुशंसा है स्कूटी इंजीनियर ने विभाग ने किया उसको डिबार भी किया जाए, इसलिए कि इसकी काफ़ी शिकायतें हैं। साथ ही साथ ऐसा एक चौंकाने वाली बात मैं बताऊं कि 2021 में ऐसा मुख्यमंत्री जी के आदेश पर एक उच्च स्तरीय ब्रिज ऐसा बनाने के लिए ऐसा एक छतरपुर धूब ऐसा यमानंद नदी पर था, जो कि ऐसा ये गड़बड़ होने के कारण उसको ये कि घटिया निर्माण के कारण मुख्यमंत्री ने आदेश किया था इसको जांच करके उस पर कार्रवाई करने के लिए, वो भी ऐसा आज तक नहीं हुआ, कहिए 3 साल होने जा रहा है, और विभाग इतने ऐसे संवेदनहीन है, संवेदन ऐसे संवेदनता है ही नहीं कि सर काम नहीं हो रहा है, इसका मतलब कि
ये काम क्या सिर्फ हेमंत सरकार में इस तरीके की का ही देखने को मिल रहा है? देखिए, हेमंत सोरेन की जो सरकार के जो है जितने कहिए कि पदाधिकारी हैं, हाँ योजना उस प्रकार से कहिए कि एक ऐसा अंधेर नगरी चौपट राजा वाली स्थिति है, कोई सुनने वाला इनको नहीं है। और नहीं तो मुख्यमंत्री के आदेश के बाद निश्चित रूप से आज इस पर ऐसा कहिए कि जांच होता है और संवेदक पर कार्रवाई होता और पुल का निर्माण होता। तो ये इस प्रकार से कहिए कि बांकी विधानसभा में एक भी ऐसा ब्रिज चाहे 10 साल में जितना भी बना आज तक सब यह अधूरा है, ये जांच का विषय है। हमने CBI से मांग करने के लिए भी कहा था, संवेदक पर कार्रवाई करने के लिए मांग कहा था, लेकिन आज तक नहीं किया है। ये सरकार ने नहीं करे या उसके बाद में पदाधिकारी इसके सब सोए हुए हैं और इसका खामियाजा है सो आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। इसीलिए हम फिर से इस मानसून सत्र में सो सरकार का ध्यान आकर्षित करा रहे हैं कि अगर इसमें होता है कार्रवाई होती है और पुल बनता है तो निश्चित रूप से यहाँ की जनता को सो कहिए कि बहुत बड़ा कि ये फायदा होगा और जो पूर्ववर्ती सरकार अकबर जी की सरकार ने जो किया था वो है सो काम पूरा भी हो सकेगा। तो हमारे साथ इस वक्त BJP विधायक शशिभूषण मेहता थे, जिन्होंने कहा है कि पाकी विधानसभा क्षेत्र की अगर हम बात करें तो हेमंत सरकार के आने के बाद एक भी योजनाओं पर सरकार गंभीर नहीं है, ना ही विकास के काम हुए हैं। सर, इसके साथ ही हम एक और सवाल लेंगे कि विधानसभा के पटल पर जो भी योजनाओं को रखा जाता है, जो भी विधानसभा क्षेत्र की समस्याओं को रखा जाता है, उस पर सरकार कितना संज्ञान लेती है? क्योंकि कहा जाता है कि हर बात जो है वो बोलने का मौका नहीं मिलता है और ऐसे में आप लोगों को लिखित जो है उसका जवाब दिया जाता है, इसकी क्या सच्चाई? देखिए, सरकार जो भी हम लोग जन समस्याओं को सो ध्यान आकर्षित कराते हैं सदन में, वो केवल गोल मटोल करके ऐसा जवाब देती है, कोई माने मतलब नहीं रहता है। आज एक ऐसा मेरा आज ही के बारे में बताऊँ मैं, एक मेरा ऐसा प्रश्न है सो यह है आप कहिए कि पॉलिटेक्निक कॉलेज ऐसा हमारे विधानसभा में आज बन करके हम समझते हैं कि बन रहा है ऐसे 7-8 सालों से, अब आज तक अधूरा है, उसे चालू नहीं किया गया। अगर वो बन जाता, कंप्लीट हो जाता, उसके बाद उसको हैंडओवर होता तो निश्चित रूप से उस क्षेत्र के लिए ऐसे वरदान साबित होता। तो ये सरकार ऐसी ये जितना हेमंत सोरेन जी की सरकार है सो लटका कर रखने वाली है, निश्चित रूप से ये इनके पदाधिकारियों पर, इनके अफसर पर, इनके सचिवों पर इनका कोई कमांड ही नहीं है। एकदम महसूस खुलेआम महसूस ये कि लूट के छूट है सो दे रखा है। इसीलिए जहाँ पर लगता है कि जहाँ पर मालदार है सो जगह है उसी को काम करते हैं, नहीं तो ऐसे ही काम करने के लिए लोग रुचि नहीं लेते हैं। नहीं तो फिर ये पॉलिटेक्निक कॉलेज जहाँ पर छात्र आज है सो दूसरी जगह जाते हैं पढ़ने के लिए और मोटी रकम देते हैं, वो सब ऐसा उसको पलामू में बैठता, झारखंड में बैठता और यहाँ के लोगों को बच्चों को फायदा होता। इस प्रकार से इनकी कार्यशैली की काफ़ी घोर है सो कहिए कि हम निंदा करते हैं। और आने वाले समय में जो छात्र युवा है सो नौजवान बेरोजगार सभी जो आज ऐसा ये कही कि एग्रेसिव हैं, काफ़ी आक्रोशित हैं, अब इन्हीं कार्यशैली कारण इस प्रकार से हो रहा है। अब आने वाले समय में इनको इस खमियाजा भुगतना पड़ेगा। तो सरकार की क्या सच्चाई है बता रहे थे BJP विधायक डॉक्टर शशिभूषण मेहता। फिलहाल इस खबर में इतना ही। तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें DHT न्यूज़।